से थोड़ी देर में जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच जाएंगे। दो दिन तक मिशन 2022 को लेकर रणनीति होनी है, जिसके तहत ये दो दिन का उनका दौरा है। बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी, पार्टी सांसदों के साथ आज दोपहर में अहम बैठक होनी है। तो मिशन 2022 को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होगा, आना होगा लखनऊ। अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने की खबर मिल रही है, जब वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। और लखनऊ में आज का कार्यक्रम तय हो चुका है। मिशन यूपी पर नड्डा की नजर रहेगी, जहां तमाम ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्राधिकारियों को इस वक्त बुलाया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कई सत्र बांटे गए हैं, जिसमें लोगों से मुलाकात और उन्हें जीत का मंत्र दिया जाएगा। किस तरीके की तैयारी है लखनऊ में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने। आप भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से दो दिवसीय दौरे पर यूपी आ रहे हैं। आज पहले दिन उनके लखनऊ में कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले 11 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहला कार्यक्रम होगा। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम इस समय मौजूद हैं, किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर बात करें कार्यक्रमों की, तो 11:30 बजे से पहला कार्यक्रम जो होगा उसमें जेपी नड्डा इसी जिस हॉल के बाहर हम खड़े हैं यहीं पर जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके साथ में संवाद करेंगे, अपना संबोधन देंगे और 2022 को लेकर उनको निर्देश देंगे कि कैसे अपने अपने क्षेत्र में जाकर उनको काम करना है जनता के बीच में। इसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है वो 12:15 बजे से होगा, वो भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के एक दूसरे हॉल में रखा गया है, जहाँ पर जितनी भी विधानसभाएँ हैं सभी विधानसभा के जो प्रभारी हैं उनके साथ में जेपी नड्डा की बैठक होगी। इन दो कार्यक्रमों के बाद जेपी नड्डा सीधे भाजपा कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर 4 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले वहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद हैं, प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, उनके साथ में बैठक की शुरुआत होगी। और शाम को इसके बाद में जो आखिरी बैठक है वो होगी कोर कमेटी की। जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय पर ही कोर कमेटी की बैठक करेंगे और आज लखनऊ में रहेंगे। बहरहाल दिखाते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर जो तैयारियां हैं वो किस तरह से की गई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पर ब्लॉक प्रमुख आ रहे हैं और अपना पंजीकरण करा रहे हैं। सबसे पहले अलग अलग उनके लिए काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से ये वो काउंटर हैं, काशी क्षेत्र का, गोरखपुर क्षेत्र, ब्रिज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, सभी जगह के ये काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पर सभी ब्लॉक प्रमुख का पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद में यहीं पर सभी लोगों को एक किट दी जा रही है, आप देख सकते हैं। और इस किट में योगी सरकार की जो 4 साल के कामकाज हैं, जो उपलब्धियाँ, उनकी किताब दी जा रही है। बात चाहे राम मंदिर निर्माण की हो, चाहे जिक्र किया जाए किसानों को गन्ना भुगतान जो किया गया, उन सभी चीज़ों का इस किताब में जिक्र किया गया है। ये देख सकते हैं आप सामने, यही वो किताब है और वो किट है जो सभी लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। इस किताब को आप देख सकते हैं, 4 वर्षों में जो ना हो पाया, 4 वर्षों में जो ना हो पाया 4 वर्षों में कर दिखाया, ये किताब है। उपलब्धियों भरी पहला पन्ना आप देख सकते हैं, राम मंदिर की तस्वीर इस पर जो मॉडल है वो देख सकते हैं। और इसके बाद में आगे के पन्नों में इस पूरी किताब में सरकार के जो भी काम है, चाहे वो सौभाग्य योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और एक नज़र में जो आखिरी पन्ना उस पर आप देख सकते हैं, एक नज़र में किस तरह से गन्ना किसानों को कितना भुगतान हुआ है, एक्सप्रेसवे को लेकर क्या काम हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर क्या काम हुआ, मेट्रो परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेज, इन सभी चीज़ों का जिक्र इस किताब में किया गया है। इसके साथ में जो किट दी जा रही है उसमें जो ब्लॉक प्रमुख के कार्य होते हैं जो दिए गए हैं उनको संविधान के अंतर्गत कि क्या काम उनको करने हैं, उसके बारे में भी पूरा दिया गया है, जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस समय क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आप? कृष्ण प्रताप सिंह। कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से, व्यवस्था में हैं। व्यवस्था में यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से सभी लोगों को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, क्या व्यवस्था है? सभी के लिए रजिस्ट्रेशन है, सभी के पास जो भी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य हैं सभी के पास पार्टी कार्यालय द्वारा मैसेज भेजा गया है। मैसेज को देख के वेरीफाई किया जाएगा और रजिस्टर्ड और वेरीफाइड लोगों को ही अंदर एंट्री दी जाएगी। तो आपने देखा है किस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके प्रतिनिधि, उनका कहना है कि काफ़ी उत्साह है उनमें कि आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और मंथन होगा 2022 को लेकर। और ये लोग भी
किस तरह से अपनी तैयारी करके आए हैं, किस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी वहाँ पर बताने के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी से अचानक कुछ पूछते हैं तो उनके पास ये होना चाहिए कि आखिर वो क्या काम कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो चलिए अब ज्यादा डिटेल लेते हैं कि अब कितना वक्त रह गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ पहुंचने में। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेश, बताइए क्या एग्जैक्ट टाइम है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे? तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, आपने दिखा दिया है। बता दें कि 11:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और यहीं पर वो संबोधित करेंगे जितने भी ब्लॉक प्रमुख हैं, जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको संबोधित करेंगे। और यहाँ पर आगे 2022 के लिए पार्टी का क्या एजेंडा, किस तरह से पार्टी को काम करना है, जनता का क्या संदेश लेकर जाना है, इसके बारे में उनसे बात की जाएगी। यहाँ पर बैठक खत्म होने के तुरंत बाद पास के ही एक दूसरे हॉल में जो बैठक रखी गई है वो जो विधानसभा के प्रभारी है उत्तर प्रदेश में जितने भी भाजपा ने तैनात किए नियुक्त किए हैं उनके साथ में एक बैठक होगी, और सभी विधानसभा प्रभारियों से उनके क्षेत्र का फीडबैक भी पूछा जाएगा बीच बीच में, और उसके अलावा उन्हें संदेश दिया जाएगा सबको एक साथ कि किस तरह से उन्हें अपने अपने क्षेत्र में काम करना है, जनता से किस तरह से आगे फीडबैक लेना है, और उनकी जो उम्मीदें हैं जनता की उसको शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा, पार्टी ने क्या काम किए हैं इसके बारे में उनको बताया जाएगा, इसके साथ ही विपक्ष जो है उसके सवालों का जवाब किस तरह से देना है ये तो बताया ही जाएगा, साथ ही जनता के बीच में विपक्ष की जो कमियां पार्टी अपनी तरफ से बताना चाहती है उसको लेकर किस तरह जाना है, बताना है कि कैसे पिछली सरकारों से बेहतर काम किया है भाजपा सरकार ने, इन 4.25 साल का जो करीब 4.5 साल का वक्त बीत चुका है इसके समय में काम किस तरह से किया है, इसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लगभग अधिकतर ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, और अब बस इंतजार है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद इन सभी को अपना संबोधन देंगे और 2022 के लिए बताएंगे कि कैसे आगे काम करना है। तो बीजेपी में तमाम चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं, ये हमने देखा है, हर कार्यक्रम छोटा से बड़ा अच्छे से आयोजित होता है, और अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच जाएंगे। तस्वीरें और खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। बहरहाल शैलेश, आपका शुक्रिया।